हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो एबनॉर्मेलिटी इन लेबर और डिलीवरी को लेके रहेंगे। उनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, प्लेसेंटा की क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, एमनियोटिक फ्लूड की क्या एबनॉर्मेलिटी होंगी, तो सभी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी क्लासेस अपडेट हो या फिर नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट की एक एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्लास की जाएगी। तो गायनेकोलॉजी की हमने स्टार्टिंग से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर बेसिक स्टेज पढ़ी लेबर की, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही ऐड किए गए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐड है वो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही और हो सकता है SMS ऐसे ही प्रेजेंट हों, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स में से छांट के लिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन जिनका भी NORSET का भी आप लोग पेपर देने वाले हैं उस हिसाब से भी यहाँ पर रेडी किए गए हैं। साथ ही साथ GMC, NHM, CHO जो भी पेपर आप देंगे नर्सिंग के, ऑल इन वन क्वेश्चन हम जिनको कह सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटेक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन द मदर्स ब्लड इंडिकेट दैट डेवलपिंग बेबी हैज। तो यदि आपका ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है तो उसमें यदि स्पेशली प्रेगनेंसी में अल्फा फीटोप्रोटीन AFP का लेवल हाई है, दैट मीन्स जो बच्चा है डेवलपिंग फीटस से बेबी, उसको कौन सी सिचुएशन डेवलप हो रही है वो यहाँ पर ये टेस्ट आपको प्रेजेंट करेगा। यदि AFP का लेवल हाई है तो ऑप्शन में NTD दैट मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डिलेड स्केलेटन डेवलपमेंट या फिर डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो यदि यहाँ पर हाई लेवल पूछते हैं अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल हाई होता है मदर के सीरम में और ब्लड में, तो क्या होगा बच्चे को, जो डेवलपिंग बेबी है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस है, NTD उसको डेवलप हो रहा है। और यदि हम इसी NTD को प्रिवेंट करना चाहते हैं डेवलपिंग बेबी में, तो बिफोर कंसीव करने से पहले और कंसेप्शन के टाइम से ही माँ को क्या देना स्टार्ट करते हैं, फॉलिक एसिड, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूब होती है वो बनने में क्या हेल्प करेगा, फॉलिक एसिड। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि लो लेवल है AFP का लेवल, यदि लो है जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है, तो क्या होगा बेबी को, डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो 5th मंथ में एनोमली स्कैनिंग होती है जनरली उसमें सभी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल कैसे पता चलेगा ब्लड सीरम टेस्ट से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे कि NTD हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सभी 5th मंथ जो एनोमली स्कैनिंग उसमें भी पता चल जाती हैं, लेकिन जो AFP का लेवल यदि आपको बात की जाए तो ब्लड सीरम टेस्ट से ही ये पता चलेगा। फिर मैंने आपको बताया था क्वाड्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट और डबल मार्कर टेस्ट, ये सभी जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनके लिए किया जाता है। जो 2nd क्लास गायनेक की ली थी उसमें मैंने पूरे टेस्ट भी आपको बताए हुए थे, तो आप एक बार उस क्लास को भी देख लें। तो यहाँ पर अल्फा पीटो प्रोटीन में दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, लेवल हाई होगा तो NTD और लो होगा तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट वन इज, आफ्टर डिलीवरी यूट्रस डिस्चार्ज सम ब्लड डेब्रिस एंड सेल्स, इट इज कॉल्ड लोचिया। इफ द लोचिया कलर इज रेड दैट मीन्स इट्स अ विच काइंड ऑफ लोचिया। तो हमने पढ़ा है 3 टाइप का लोचिया होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। अब यदि यहाँ पर रेड कलर का, दैट मीन्स ये क्या है, इनिशियल डे, जो स्टार्टिंग डिलीवरी के आफ्टर जो टाइम है उस टाइम का लोचिया है, क्योंकि डार्क रेड कलर का है तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा रूब्रा। क्या होगा ये, रूब्रा। यहाँ पर ये देखिए कुछ चेंजेस दिए हुए हैं लोचिया के टाइप में, ये क्या है, पोस्टम, जो आफ्टर परपीरियम पीरियड जिसको हम कहते हैं उसमें होगा ये सीक्रेशन। तो यहाँ पर यदि आपको पोस्ट नेटल पीरियड में, या फिर हम ये कह सकते हैं परपीरियम पीरियड में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगे, तो होगा लोचिया। आपको मेन चीज़ इसमें याद रखना है, पोस्टमार्टम हेमरेज को कंट्रोल करना, लोचिया, सभी किस में आएंगे, पोस्ट नेटल या फिर परपीरियम पीरियड में। तो यहाँ पर लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। यदि डार्क रेड कलर यहाँ पर कहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि आफ्टर डिलीवरी जो डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना के थ्रू उसको, यूट्रस से, वो क्या कहलाएगा, लोचिया।
लेकिन रेड कलर है तो ये क्या है, हो गया रूब्रा। यदि रेड की जगह यहाँ पर पिंक येलो कहते तब हम क्या कहते, सेरोसा। और यदि व्हाइट कलर का कहते तो क्या होता है, अल्बा। नेक्स्ट वन इज विच साइन इज कंसिडर्ड एट द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी इनमें से कौन सा कहलाएगा, ऑप्शन में लाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर लाइटनिंग जो वेलकम साइन है प्रेगनेंसी का वो क्या है, वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होगा कि जब आफ्टर 38 वीक के बाद क्या होगा, यूट्रस डाउन साइड आएगा, पहले क्या होगा अबव जाएगा, एक्सोस्टर्नम तक जाएगा, लेकिन लाइटनिंग में क्या होगा, यूट्रस है जो क्या होगा डाउन साइड, फंडल हाइट थोड़ी डाउन होगी, इसको हम क्या कहेंगे लाइटनिंग। और ये क्या है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग का मतलब होता है कि जो मदर को बेबी के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो, तो जनरली ये 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगते हैं मदर को। तो यहाँ पर ये भी आपको एग्जाम में आता है क्विकनिंग की, फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स नोन एज द क्विकनिंग। और वेलकम साइन क्या है प्रेगनेंसी में, लाइटनिंग। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फॉल्स लेवर पेन भी कह सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे लेकिन ये फॉल्स लेवर के लिए होंगे, ना कि ट्रू लेवर के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो 10 to 13 ईयर के बीच में जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है जनरली वो आएंगी यहाँ पर, एडोलोसेंट प्रेगनेंसी और टीनेज प्रेगनेंसी। तो इनका कॉज सब होंगे, रीजन सब होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अर्ली मैरिज, रेप ऑफ माइनर्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेल एजुकेटेड फैमिली। तो टीनेज प्रेगनेंसी के कारण सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो अर्ली मैरिज मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा, रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तीनों होंगे, क्या होंगे, तीनों रीजन होंगे टीनेज प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो नहीं होगा वो होगी वेल एजुकेटेड फैमिली, जो अच्छे पढ़े लिखे फैमिली होगी ना, तो वो अर्ली मैरिज करेगी बिफोर 21 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी गर्ल्स की एज कितनी रख दी है, 21 रख दी है। रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ी लिखी फैमिलीज ये नहीं करेंगी। तो यहाँ पर कॉज सब होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यदि अंडर एज और टीनेज गर्ल की एज पूछी जाती है तो वो है 13 से 17 साल। कितना, 13 से 17 साल की एज में जो गर्ल्स प्रेगनेंट होंगी वो टीनेज प्रेगनेंसी या फिर अंडर एज प्रेगनेंसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच टाइट फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि ऐसी कंडीशन जिसमें फोर स्किन पेनिस पर क्या होगी, वापस रिट्रैक्ट नहीं होगी, उसके लिए क्या कहेंगे, फिमोसिस, हाइड्रोसील, एम्फोसील या फिर सरकम सीजन। तो फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्ट ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, दैट मीन्स ये क्या है, फिमोसिस। फिर आता है क्या है, फिमोसिस है, याद रखना इतना, एक ही लाइन आपके लिए काफ़ी याद रखना, फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्टेड ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। पूरा याद ना भी हो तो यहाँ पर फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक, पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है वो वापस नहीं जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फिमोसिस। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जनरली सरकम सीजन करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोसील और ओम्फेलोसील, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो हाइड्रो का मतलब हो, हाइड्रोसील का मतलब होगा स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, फ्लूड कलेक्ट होगा टेस्टिकल के सराउंडिंग, तो क्या होगा, स्क्रोटम में जो स्वेलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसील। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जनरली एक साल की एज के अंदर ही विदाउट ट्रीटमेंट के डिसअपियर हो जाएगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा, फ्लूड, और सील से यहाँ पर मतलब क्या है, स्क्रोटम के चारों तरफ स्वेलिंग होना। ये क्यों होगी, क्योंकि टेस्टिकल के चारों ओर क्या हो गया, फ्लूड कलेक्ट हो गया है। एम्फेलोसील का मतलब होगा बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वैली वॉल। एम्फेलोसील की इमेज आपको एग्जाम में आ सकती है, आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो हाइड्रोसील का मतलब क्या होगा, स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, क्या है, स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लूड कलेक्ट हो रहा है टेस्टिकल के चारों तरफ। लेकिन ओम्फेलोसील डिफरेंट टर्म है, एम्फेलोसील का मतलब है कि बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट होना, जिसके कारण इन्फेंट्स के जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं, क्योंकि एब्डोमिनल वैली वॉल पर क्या है, डिफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑर्गन बहुत ही थिन लेयर से कवर्ड रहेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट सैक हो सकता है, ओपन भी हो सकता है कभी भी, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे ऑर्गन दिखाई देंगे, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और जो भी
अदर ऑर्गन बेली लाइन से चिपके हुए होंगे वो सभी यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर में दिखाई देंगे। तो ये क्या है? ओम्फेलोसील। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ओम्फेलोसील की इमेज याद रखनी है। एग्जाम में मेनली आपको डायरेक्ट नहीं आता है क्वेश्चन, आपको इमेज दी जाती है और पूछा जाता है कि है क्या। नेक्स्ट वन इज, व्हाट ट्रीटमेंट मेथड आर यूज्ड टू ट्रीट फॉर एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस। तो एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है? ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इंजेक्शन, मिथार्जिन, आईवी, मसाज ऑफ यूट्रस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं बता दूं कि एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होगा कि जो यूट्राइन मसल्स हैं उनमें इतनी टोन, दैट मीन्स इतनी टोन ऑफ पावर नहीं बची है कि वो वापस से क्या हो सकें, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट हो सकें। तो यहाँ पर एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस का मोस्ट कॉमन कॉज है जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है उसके लिए। एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो ऑक्सीटोसिन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके सभी क्या हो जाएंगे, ट्रीट करने के लिए मेथड मानी जाएंगी। तो एटोनोसिटी क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का। यदि एग्जाम में आपको आता है कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो वो एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, प्राइमरी एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस। दूसरा है रिटेंड प्लेसेंटा, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के कुछ बाइट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं यूट्रस में। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी का पूछे तो एटोनोसिटी है होगा एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, और यदि सेकेंडरी पीपीएच का पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और मैनेज कैसे करेंगे एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस को? ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी सेल्स रिलीज होंगी? उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी ओसाइट्स या फिर प्राइमरी ओसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होगा तो कौन सी सेल है जो रिलीज होंगी? तो वो होंगी सेकेंडरी ओसाइट्स। क्या होंगी? सेकेंडरी ओसाइट्स, जो कि इमेच्योर ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी सेल रिलीज हो रही है ओव्यूलेशन में? सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट वन इज, और सेकेंडरी ओसाइट्स या फिर ओवम जिसको हम कहेंगे, तो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग फर्स्ट सिक्स वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट सिक्स वीक में कौन सा ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा? ऑप्शन में अम्बिलिकस, डेसिडुआ, प्लेसेंटा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम के लिए, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? डेसिडुआ। और यहाँ पर जो प्लेसेंटा क्या है, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, टेम्प्ररी ऑर्गन होगा जो कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन रखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सिक्स वीक में जो ऑर्गन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी से होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन आफ्टर सिक्स वीक की प्रेगनेंसी के बाद। तो फर्स्ट सिक्स वीक तो क्या करेगा प्रोजेस्टेरोन, कौन रिलीज करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन आफ्टर सिक्स वीक है जो कौन, ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगेगा, प्लेसेंटा है जो इस हार्मोन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन इज, PGE1 इज ऑल्सो नोन एज। तो PGE1 का दूसरा नाम क्या है? डाइनोप्रोस्टोन, डेनोप्रोस्ट, मिफेप्रोस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टोल, ये सभी हैं जो गायनिक में यूज होने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि PGE1 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, या फिर PGE1 को और किस नाम से हम जानते हैं। तो PGE1 क्या है? ये है मीजोप्रोस्टोल। क्या है? मीजोप्रोस्टोल, जो कि जनरली अवसन के लिए भी यूज़ की जाती है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी यूज़ की जाती है, इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 क्या है? यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट वन इज, अ वूमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ऐसी लेडी जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? नली पैरा, नली ग्रेविडा, प्रीमी पैरा या फिर मल्टी पैरा। तो ऐसी वूमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? नली पैरा। क्या होगी? नली पैरा। और नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यहाँ पर नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट मीन्स प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, हो सकता मिड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया हो,
लेकिन नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रीमी पैरा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी पैरा का मतलब होगा मोर देन वन और टू टाइम से भी ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। तो पैरा जुड़ जाता है दैट मीन्स बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ग्रेविडा का मतलब होगा कि प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो सर्विक्स का एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन। अब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं क्या है प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। थ्री टाइप के साइन पढ़े हमने। फर्स्ट आता है प्रिजम्प्टिव जो कि हम प्रिज्यूम करेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसमें एमनोरी आ जाएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी हो या ना हो। दूसरे आते हैं प्रोबेबल जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। फिर आते हैं पॉजिटिव जो कि कन्फर्मेटरी साइन है जो प्रेगनेंसी के माने जाएंगे। तो यहाँ पर गॉडेल साइन का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। चैडविक का मतलब होता है ब्लूइश और ब्लूइश कलर ऑफ वेजाइना और सर्विक्स जो कि बहुत ज़्यादा वेस्कुलाइजेशन के कारण होगा। हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है? हैगर साइन। और यहाँ पर फिर आता है बलोटमेंट। क्या है बलोटमेंट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ डायग्नोसिंग द प्रेगनेंसी इन विच द यूट्रस इज पुश्ड विथ अ फिंगर टू फील वेदर अ फीटस मूव्ड अवे एंड रिटर्न्स अगेन। तो ये क्या है? बलोटमेंट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टैबलेट फॉर मदर इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको दो दिन पहले की क्लास में आप देखिए तो मैंने वहाँ पर आपको WIFS और आयरन एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो बताया था उसमें चीज़ें बताई थी आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलिमेंटल आयरन का कितना अमाउंट होगा एक जो आयरन की टेबलेट होती है मदर को दी जाती है। ऑप्शन में 60 mg, 60 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 50 mg। तो जो एलिमेंटल आयरन होता है उसमें वन टेबलेट में कितना अमाउंट होगा आयरन का? तो वो होगा 60 mg। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या है अम्बलाइकस इंसर्ट है कहाँ से? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। जनरली सेंटर से होना चाहिए लेकिन ये क्या है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हुई है। तो ये क्या कहलाएगा? बेटल डोर, प्लेसेंटा प्रीविया, वेलामेंटस इंसर्शन या फिर मार्जिनल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में चारों ऑप्शन में से चार क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन समझिए कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अम्बलाइकस कहाँ से इंसर्ट हुई है? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से, सेंट्रल पार्ट से होना चाहिए जो कि कहाँ से हुई है? मेम्ब्रेन से, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से इंसर्ट हुई है। तो क्या कहलाएगा? वेलामेंटस इंसर्शन। क्या हो गए? वेलामेंटस इंसर्शन। इस तरीके से नॉर्मली प्लेसेंटा में कहाँ से होगी? सेंटर पार्ट से। लेकिन ये देखिए मेम्बर्स जो मेम्ब्रेन से ही क्या हो रही है इंसर्ट हो रही है। कॉर्ड कहाँ से इंसर्ट हो रही है? फीटल मेम्ब्रेन के यहाँ से ही प्लेसेंटा में इंसर्ट हो रही है। दो सरफेस होती हैं फीटल मैटरनल, लेकिन यहाँ पर देखिए बाहरी साइड से ही मेम्ब्रेन से ही अटैच होती हुई इंसर्ट हो रही है कॉर्ड। तो क्या है यहाँ पर? वेलामेंटस इंसर्शन। अब आता है प्लेसेंटा मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन। तो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से? प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से ना लेके जो मार्जिन है साइड में मार्जिन है वहाँ से ही इंसर्ट होगी। तो क्या है? मार्जिन। जब यहाँ पर कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होगी? द कॉर्ड कैन बी इंसर्टेड एज क्लोज टू 2 cm फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एज ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब है मेम्ब्रेन से इंसर्ट होती है। तो क्या होगा? वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाती है? बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जो कि कंप्लीट 10 cm सर्वाइकल डायलिटेशन से लेकर बेबी एक्सपल्सन की स्टेज है वो क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही प्रॉपर इम्प्रूव्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि PPH को भी प्रिवेंट करेगा, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जिससे बेबी की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ पर
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल, तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम कब तक एक्टिव होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ओवरी का पार्ट है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 6 to 10 weeks, 12 to 14 weeks, 16 to 18 weeks या फिर 20 to 25 weeks। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, और प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 12 to 14 weeks के, क्योंकि आफ्टर द क्या कौन रिलीज करेगा यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, तो करेगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज, प्री टर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 वीक के जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी होगी, वो क्या है? प्री टर्म लेबर। तो अब प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा है जो एक सेंसिटिव मार्कर होगा? सर्वाइकल लेंथ, सीरम फेरिटिन, फर्निंग टेस्ट या फिर फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट और फाइब्रोनेक्टिन दोनों एग्जाम में आपको आते हैं, तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट भी प्रीटर्म लेबर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्निंग टेस्ट जनरली ओवुलेशन के लिए किए जाते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए किए जाते हैं, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है, वो क्या है? फाइब्रोनेक्टिन। क्या है? एक बायोकेमिकल मार्कर है जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए, दैट मीन्स कि बिफोर 37 वीक के भी डिलीवरी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल मार्कर और सेंसिटिव मार्कर हो जाएगा फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फाइब्रोनेक्टिन। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज, तो एमनियोटिक फ्लूड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मदर्स प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, फीटल यूरिन या फिर मदर्स यूरिन। तो जो एमनियोटिक फ्लूड होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फीटल यूरिन। क्या होगा? फीटल यूरिन। और जो पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन क्या होता है? वो होता है फीटल डायोरेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि फीटल यदि बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइट पर डे इज, तो प्रोजेस्टासाइट क्या है? हार्मोनल IUCD है। तो प्रोजेस्टासाइट है जो पर डे कितना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी? 20 μg, 45 μg, 65 μg या फिर 85 μg। तो प्रोजेस्टासाइट पर डे रिलीज करेगा, ये देखिए डिवाइस है एक IUCD जो कि हार्मोनल IUCD है। तो पर डे यदि प्रोजेस्टासाइट की बात की जाए तो पर डे 65 μg करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका, 65 μg, 65 μg पर डे प्रोजेस्टासाइट रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब यहाँ पर टोटल इसमें कितना प्रोजेस्टासाइट में हार्मोन होगा? तो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD या फिर प्रोजेस्टासाइट, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट कितना रिलीज करती है? 30 mg प्रोजेस्टेरोन इसमें टोटल रहेगा, जिसमें से 65 μg हार्मोन है पर डे रिलीज करेगी। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेगी, तो म्यूकस का थिक म्यूकस प्लग का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी सर्वाइकल ओस के यहाँ पर, जिससे स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? स्पर्म ओवम के लिए है जो सर्वाइकल ओस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेस्टासाइट है क्या करेगी? म्यूकस का वहाँ पर थिक प्लग है जो बना देगी। पर डे यदि टोटल पूछे प्रोजेस्टासाइट में तो 38 mg, पर डे रिलीज पूछे तो 65 μg। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है इसमें? तो वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर्स एक्सेप्ट, तो सभी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मीजोनेफ्रिक ट्यूमर्स, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा या फिर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? मीजो नेफ्रॉइड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर कौन कौन से हैं यहाँ पर? टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस, इनके नाम आप याद रखें वही काफ़ी हैं आपके लिए। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा, कोरियो कार्सिनोमा एंड मिक्सड फॉर्म्स। लेकिन मीजोडर्मल के नाम आप याद रखेंगे, जिसको हम एपिथीलियल ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो जर्म सेल का मतलब है यहाँ पर ऐसे ट्यूमर्स जनरली, और यहाँ पर मीजो नेफ्रॉइड पूछें तो एपिथीलियल ट्यूमर की जो जनरली कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि
अनकॉमन ट्यूमर ऑफ ओवरी और हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉस्कोविट्स रिपेयर इज डन फॉर। तो मॉस्कोविट्स रिपेयर किसके लिए यूज़ किया जाएगा? बॉल्ट प्रोलैप्स, एंटेरोसील, क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या फिर एडिनोमायोसिस। तो मॉस्कोविट्स रिपेयर किसके लिए यूज़ किया, दैट मीन्स ट्रीट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए किया जाएगा। तो ये कंडीशन होगी एंटेरोसील, क्या होगी ये, एंटेरोसील और स्मॉल बाउल प्रोलैप्स, जो कि एक पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जिसको हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोलैप्स के टाइप दिए हुए हैं। तो जब यहाँ पर नॉर्मल एनाटॉमी इस तरीके से होगी, यहाँ पर फर्स्ट इमेज देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेक्टोसील, एंटेरोसील और सिस्टोसील। तो यहाँ पर जो एंटेरोसील है, इसमें क्या होगा कि जो पेल्विक ऑर्गन है, एंटेरोसील में पूरे बाउल प्रोलैप्स या फिर पेल्विक ऑर्गन है। कहाँ पर प्रोलैप्स होते हैं, वेजाइना में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटेरोसील। अब यहाँ पर यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होता है वेजाइना में, तो यूरिन लीक होगी वेजाइना के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टोसील। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मेज देखिए ध्यान से, कि यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होगा वेजाइना में, तब हम इसको कहेंगे सिस्टोसील। यदि यहाँ पर जो रेक्टम प्रोलैप्स होगा वेजाइना में, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टोसील। यदि पूरी यूट्रस प्रोलैप्स हो जाती है, वूम यूट्रस प्रोलैप्स होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूट्राइन प्रोलैप्स। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो मॉस्कोविट्स रिपेयर है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो जो भी यूरेटर के यहाँ पर जो भी ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं, उनको स्टिच करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की कितनी होती है, 10 लूनार मंथ, 280 डेज, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी माने जाते हैं, क्या हैं, ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के सभी माने जाते हैं कि 10 लूनार मंथ, दैट मीन्स कि जो आप मंथ कैलकुलेट करेंगे वो होंगे 280 डेज, जब माने जाएंगे, जब हम फोर वीक करके जो मंथ काउंट करेंगे यहाँ पर, फिर 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब एग्जाम में आपको GTPL स्कोरिंग पूछी जाती है, GTPL स्कोरिंग पूछी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जी डिनोट करेगा ग्रेविडा को, दैट मीन्स वुमेन कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। टी रिप्रेजेंट करेगा कि टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई, आफ्टर 37 वीक के बाद कितनी डिलीवरी हुई है, तो वो किस में आएंगे, टर्म प्रेगनेंसी में। बिफोर 36 वीक और आफ्टर 20 वीक के बाद जो डिलीवरी हुई है, वो किस में आएंगे, प्री टर्म में। अबॉर्शन का मतलब है कि कितनी प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही क्या हो गई हैं, या तो अबॉर्शन हो गए हैं या फिर टर्मिनेट हो गई हैं। कितने लिविंग चिल्ड्रन हैं, अभी जिंदा बच्चे हैं, लिविंग हैं, तो वो क्या है, एल में। तो क्या होगा, GTPL स्कोरिंग, GTPL स्कोरिंग में आपको यदि G2 दे दें, दैट मीन्स ग्रेविडा टू टाइम्स, T1 दे दें तो एक टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है पहले, प्री टर्म P1 दे दें, 2 दे दें, दैट मीन्स प्री टर्म प्रेगनेंसी, अबॉर्शन में 0 कर दें, दैट मीन्स कभी अबॉर्शन नहीं हुआ है। यदि प्रीमी पैरा है, प्रीमी ग्रेविडा है, तो L में 0 कर दें, तो क्या होगा, लिविंग बच्चे अभी उसके नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज, नेगल्स फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ EDD इन प्रेगनेंसी। व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ EDD कैलकुलेशन। तो जनरली नेगल्स फार्मूला यूज़ किया जाता है EDD को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर EDD का करेक्ट फार्मूला क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर, एट 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर LMP एंड सब्सट्रैक्ट 3 मंथ, एट 3 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ LMP एंड सब्सट्रैक्ट 2 मंथ। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और LMP का फर्स्ट डे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो EDD कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला मेनली यूज़ किया जाता है, और इसका फार्मूला क्या है यहाँ पर, एड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर LMP। फर्स्ट डे ऑफ योर LMP का मतलब होता है कि जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ है, उसका पहला दिन। मान लीजिए आपको डेट दी जाती है, आज है 28, क्या है, 28 है आपके पीरियड्स, या फिर जिस भी लेडी को अपना EDD कैलकुलेट करना है, तो 28 तारीख है यहाँ पर आज, तो 28 प्लस 7 डेज, और उसमें से 3 महीने रिट्रैक्ट कर देना है,
तो यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी वाज नवंबर 1st एंड ईडीडी आपको निकालना है। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट नेगल्स फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, आपको डेट दी जाएगी कि एलएमपी है 29th या फिर 28th, कोई भी डेट दे देंगे, फिर आपको नेगल्स फॉर्मूला यूज़ करके है जो ईडीडी कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रोल ओवर टेस्ट इन प्रेगनेंसी परफॉर्म्ड फॉर डेवलपिंग ऑफ विच कंडीशन इन मदर। रोल ओवर टेस्ट प्रेगनेंसी में मदर में कौन सी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा, डायबिटीज मलाइटिस, एक्लेम्सिया, यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। रोल ओवर टेस्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी में, तो क्या कंडीशन डायग्नोस करने के लिए होगा मदर में, एक्लेम्सिया के लिए। रोल ओवर टेस्ट सिंपल और इजीली क्लिनिकल टेस्ट है जो कि स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए किया जाएगा। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया दोनों टर्म आपको पता होंगे, लेकिन इसका बेसिक माइनर सा डिफरेंस आपको बता दें। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से किस तरीके से अलग है तो ये भी देख लीजिए। तो एक्लेम्सिया में कभी भी प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्जन नहीं आते हैं। एक्लेम्सिया एक जो इनके बीच का एक जो डिफरेंस है वो यही है। और इनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो क्या है, MgSO4 मैग्नीशियम टॉक्सिटी। और क्यों दी जाती है, एक्लेम्टिक फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए। यदि इसका ओवरडोज होता है तो MgSO4 के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए फिर क्या दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। छोटे से टर्म से इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यदि इनके डेंजर साइन पूछते हैं एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के, तो हेडेक, ब्लड विजन, अपर एब्डोमिनल पेन। लेकिन इनमें प्रोटीन यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर है जो रहेगा, मेन इनके साइन है। इनके बीच का डिफरेंस पूछते हैं एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से किस तरीके से अलग है, तो प्री एक्लेम्सिया में कभी भी कन्वर्जन और जो एक्लेम्टिक फिट्स हैं वो नहीं आएंगे प्री एक्लेम्सिया में, लेकिन एक्लेम्सिया में आएंगे। अब MgSO4 टॉक्सिटी को चेक करने के लिए कि ओवरडोज हुआ है या नहीं, क्या यूज़ किया जाता है, बर्फ टेक्निक, BURP बर्फ टेक्निक। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यूट्राइन आउटपुट डिक्रीज हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रही है, पैटलर रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर बर्फ यदि पूछा जाता है कि बर्फ टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है या नहीं उसके साइन चेक करने के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द स्टेज ऑफ एक्लेम्टिक कन्वर्जन एक्सेप्ट। तो एक्लेम्टिक कन्वर्जन कब आएंगे, एक्लेम्सिया की सिचुएशन में हाई ब्लड प्रेशर होगा प्रेगनेंसी में तब। तो ये सभी स्टेज होंगी एक्लेम्टिक कन्वर्जन की किसी एक को छोड़कर, प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज या फिर प्री मॉर्बिड स्टेज। तो एक्लेम्टिक कन्वर्जन की सभी स्टेज होंगी किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगी, प्री मॉर्बिड स्टेज। यहाँ पर ये देखिए प्री मॉनिटरी होगा, टॉनिक होगा, क्लोनिक होगा और स्टेज ऑफ कोमा, चार स्टेज होती हैं। प्री मॉनिटरी स्टेज जिसमें पेशेंट अनकॉन्सियस होगा, मसल ट्विस्टिंग होगी, टंग लिम सभी ट्विस्ट होंगे, आई वॉल्स है जो एक साइड या फिर दोनों साइड फिक्स्ड हो जाएंगी और ये कम से कम 30 सेकेंड तक रहेगी। टॉनिक में बॉडी में ट्रंक ऑफिस्टोटोनस जिसको हम कहेंगे वो देखने को मिलेगा, लिम्स और हैंड पूरे क्लेंच हो जाएंगे, साइनोसिस देखने को मिलेगा, आई वॉल्स फिक्स्ड रहेंगे और ये भी 30 सेकेंड के लिए रहेगी। फिर आती है क्लोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज मोर कितने, 1 से 4 मिनट के लिए रहेगी और इसमें साइनोसिस धीरे धीरे चला जाएगा और लास्ट आती है कोमा की स्टेज। नेक्स्ट वन इज द सेबेसियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेट इन नॉन प्रेगनेंट स्टेज बिकम्स हाइपरट्रॉफिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेबेसियस ग्लैंड जो नॉन प्रेगनेंट स्टेज में क्या है, नॉन डोमिनेंट है, दैट मीन्स उतनी फंक्शनिंग में नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, तो वो क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिलरी टेल, सेकेंडरी कोलाज्मा, फिर मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। तो सेबेसियस ग्लैंड नॉन प्रेगनेंट स्टेज में नॉन डोमिनेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल इस तरीके से जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स रहेंगे एरियोला के चारों तरफ जो कि सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। स्टीरिया ग्रेविडम स्ट्रेच मार्क है प्रेगनेंसी में होने वाले इस तरीके से। लाइना नियाग्रा क्या है, जो ब्लैक लाइन होती है, क्या है, लाइना नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाई है ये आप याद रखें इस तरीके से। इमेज देखिए, स्टीरिया ग्रेविडेरम है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है क्या है, लाइन है नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो कौन सी यहाँ पर प्रोसेस है जो कि सरफेस एरिया को कम करेगी प्लेसेंटल साइट पर और प्लेसेंटा सेपरेट होगा, यूटराइन डायलिटेशन, रिट्रैक्शन, एफासमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होगी जिससे सरफेस एरिया कम होगा और प्लेसेंटल साइट से और प्लेसेंटा इजीली सेपरेट हो पाएगा, तो वो होगी रिट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, व्हेन प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द सेंटर इट इज नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही दोनों मेथड पढ़ाई हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल रीजन से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेंट्रल पार्ट से यदि प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो कौन सी मेथड होगी प्लेसेंटल सेपरेशन की, डनकेन मेथड, स्लड्स मेथड, नेगल्स रोल या फिर जॉन्स मेथड। तो यहाँ पर जो मेथड होगी प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट से सेपरेट हो रहा है तो वो होगी स्लड्स मेथड, और यदि यही पेरीफेरल वे से क्या होता सेपरेट होता तब हम कहते हैं इसको मैथ्यू। तो यहाँ पर डनकेन मेथड कहेंगे, कब, जब पेरीफेरल वे से सेंटर पार्ट सॉरी पेरीफेरल रीजन से इस तरीके से होता, लेकिन ये सेंटर पार्ट से हो रहा था क्या स्लड मेथड। यहाँ पर साइन यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के थ्री मोस्ट कॉमन साइन होते हैं, एग्जाम में दिए जाते हैं, क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आता है। यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन कौन से हैं, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड, यूट्रस बिकम्स फर्म एंड ग्लोवुलर, यूट्रस राइजेस इन द एब्डोमन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूट्रस डाउन साइड जाएगा या ऊपर की साइड जाएगा, तो यूट्रस कहाँ पर जाएगा, एब्डोमन की साइड, राइस होगा ऊपर की तरफ। गस ऑफ द ब्लड क्या है, सभी गोल्डन और क्लिनिक सॉरी गोल्डन साइन है किसके, प्लेसेंटा सेपरेट होने के। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इज। तो प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर है जो पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट या फिर यूट्रस, कौन सा स्ट्रक्चर पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन प्रोड्यूस करने में प्रेगनेंसी में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।